हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने दिल्ली के IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोक्यो के हानीडा एयरपोर्ट तक का सफ़र जापान एयरलाइंस में तय किया था। सुबह करीबन 6 बजे हम टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड किए। अब यहाँ से हमारा प्लान था कि हम हमामात्सु शहर पहुँचेंगे। इसके लिए हम लेंगे यहाँ की बुलेट ट्रेन और उससे पहले हम लोग चलेंगे एयरपोर्ट से हमारी बस लेकर टोक्यो के बुलेट ट्रेन के स्टेशन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले टोक्यो शहर के कुछ नज़ारे जो मैंने वहाँ पे एंजॉय किए। कैपिटल टोक्यो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज में से एक है। इस शहर में करीबन 37 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। टोक्यो का पुराना नाम था ईडो, जिसे बाद में बदल के किया गया टोयो और बाद में ये कर दिया गया है टोक्यो। टोक्यो अपने एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए बहुत फेमस है, जिसमें शामिल है यहाँ की मेट्रो और यहाँ का रेलवे सिस्टम। We have arrived at the Tokyo bullet train station. तो अभी हम लोग उसके लिए जाएंगे स्टेशन पे। We have arrived at what where we need to be. It's very chilled, very cold. अब देखते हैं। So this is the metro station we are entering. बुलेट ट्रेन स्टेशन, तो यहाँ से हम लोग बोर्ड करने वाले हैं। 15 मिनट्स लेफ्ट फॉर द ट्रेन, तो वी हैव टू बी यू नो वेरी हरी अप। This is what we were waiting for, the bullet train. So this is the bullet train that I was. इसके देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बेताब था कि कैसी दिखती है। तो ये बुलेट ट्रेन अभी इस समय आई है, ये ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो इसके अंदर कैसा नज़ारा है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ऑल राइट, जापान की बुलेट ट्रेन जिसे जापान में शिंकासेन भी कहते हैं 1964 में इंट्रोड्यूस की गई थी। उस समय इसकी स्पीड थी 210 किलोमीटर पर आवर। अभी इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। और आपको जान के हैरानी होगी कि 1964 से अभी तक जापान रेलवेज ने 0 पैसेंजर फैटलिटी और इंजरीज रिपोर्ट करी है, लिटरली 0। और इसका एवरेज डिले ड्यूरेशन भी सेकेंड्स में है। जापान बुलेट ट्रेन का टोटल नेटवर्क है 2800 किलोमीटर्स। और इस रूट पर अगर आप जापान से हमामात्सु जाते समय राइट हैंड साइड में बैठेंगे तो आपको एक एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम है माउंट फ्यूजी, जो कि जापान में एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट लोकेशन है, वो भी आपको इस रूट पर दिख जाएगा, जिसकी एक झलक मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जिस तरीके से इंडिया में जमशेदपुर फेमस है, उसी तरीके से जापान में हमामात्सु फेमस है, जो कि यहाँ की एक ऑटो इंडस्ट्री का हब है। सुजुकी, होंडा, टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर है।
हमामात्सु में आने के बाद हमने सबसे पहले हमारे होटल ओकुरा एक में चेक इन किया और विदाउट एनी डिले हम लोग निकल गए सुजुकी प्लाजा, जो कि सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का एक म्यूजियम है। तो चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ सुजुकी प्लाजा में। सुजुकी ग्रुप की शुरुआत की थी मिचियो सुजुकी ने हमामात्सु जापान 1909 में। उस समय कंपनी सुजुकी लूम वर्क्स के नाम से जानी जाती थी, जिसका मेजर काम था सिल्क इंडस्ट्री के लिए मॉडर्नाइज्ड लूम का तैयार करना, जो कि जापान में एक रेवोल्यूशन लेकर आया था इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। के डिमांड को डिक्लाइन होते हुए देख सुजुकी ग्रुप ने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचा। उन्होंने ऐसे स्मॉल इंजन्स बनाने के बारे में सोचा जिसे साइकिल में इंस्टॉल किया जा सके, और इसी के साथ फाइनली 1952 के अंदर सुजुकी ने अपनी पहली पावर फ्री मोटरसाइकिल बाइसिकल को लॉन्च किया। और इसी के साथ 1954 में सुजुकी ने ऑफिशियली मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और अपनी पहली बाइक 90cc की कोरिडा लॉन्च करी। उसके बाद सुजुकी ने कई आइकॉनिक बाइक्स को क्रिएट किया है, जिसमें सुजुकी GS सीरीज या फिर हायाबुसा भी शामिल है। फिलहाल मार्केट में अपनी सक्सेस को देखते हुए और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापानीज मार्केट की नीड को समझते हुए सुजुकी ने सुजु लाइट और फ्रंटियर जैसी अफोर्डेबल और कॉम्पैक्ट कार्स को लॉन्च किया, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई। इस वीडियो की काफी सारी कार्स को आप पहले से जानते होंगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ कार आपके घर में रही भी हो या फिर आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के पास रही हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी कार को आप यहाँ पे पहचान पाए हैं और इंडियन रोड्स पे आपने चलते हुए इन गाड़ियों को देखा है। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। जब तक के लिए गुड बाय।